हेलो बच्चों, वेलकम टू जनता पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास सेवन के बच्चों को सेवेंथ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एनसीईआरटी बुक साथ में खोल के रखिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं बताऊं उन्हें लिखते रहिएगा साथ में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चैप्टर को समझ पाए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास सेवन के बच्चे अपने एनसीईआरटी को खोल के रखें और हम आगे बढ़ते हैं। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इनमें इसमें क्लास मिस कक्षा, यू मिस तुम या आप, लर्न मीन्स सीखा, दैट मीन्स की, फूड मीन्स भोजन, इज मीन्स है, इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर मीन्स के लिए, आल मीन्स सभी, लिविंग मीन्स जीवित, ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी, आल्सो मीन्स भी, दैट मीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलो, प्रोटीन्स को प्रोटीन्स, फैट्स मीन्स वसा हो जाता है, विटामिन्स को विटामिन्स ही हम बोलते हैं, एंड मीन्स और मिनरल्स जो होता है उसे खनिज बोला जाता है, आर मीन्स हैं, कंपोनेंट्स मीन्स घटक, फूड मीन्स भोजन, दीज मीन्स ए, कॉल्ड मीन्स कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, और मीन्स हमारा बॉडी मीन्स शरीर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कक्षा छः में आपने सीखा कि, ठीक है, कक्षा छः में आपने सीखा कि भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। फिर अगली लाइन का मतलब है, यू आल्सो लर्न दैट, आपने यह भी सीखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन है, फैट वसा जो है, विटामिन्स और मिनरल्स खनिज तत्व आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब ये सभी भोजन के घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भोजन के घटक हैं, और इन घटकों को, भोजन के इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। मेरे हिसाब से पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इम्पॉर्टेंट और मीनिंग पहले लिखिए। आल मीन्स सभी, रिक्वायर मीन्स आवश्यक, सिंथेसाइज मीन्स निर्माण करना या संश्लेषित करना, कैन मीन्स सकना, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल कर रहा, ह्यूमंस मीन्स मनुष्य, कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकता, दे मीन्स वे, गेट मीन्स प्राप्त करते हैं, इट मीन्स यह या इसे, फ्रॉम मीन्स से, प्लांट्स मीन्स पौधे, दस मीन्स इस प्रकार, डायरेक्टली मतलब होता है सीधे तौर पे, इनडायरेक्टली का मतलब होता है परोक्ष रूप से, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर, आश्रित। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व, पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, बट एनिमल्स, लेकिन जो जानवर हैं या प्राणी हैं जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, ठीक है। दे गेट इट, वे अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर उन एनिमल्स से प्राप्त करते हैं
दैट ईट प्लांट, जो पौधों को खाते हैं। ह्यूमंस एनिमल्स अपने भोजन को सीधे पौधों से लेते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, या फिर दूसरों एनिमल्स से ले लेते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। इस प्रकार मनुष्य और जानवर या पशु सीधे तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। मैं जो वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूँ प्लीज़ उसको कॉपी में नोट डाउन करिए और लर्न भी करिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड दियर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड मीन्स होता है तरीका, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, ठीक है, तो पौधों में पोषण का तरीका। वनली मीन्स केवल, ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्राणी, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, देमसेल्व मीन्स स्वयं, यूजिंग मतलब होता है प्रयोग करके, वाटर मीन्स जल, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, रॉ मीन्स कच्चा, मटेरियल मीन्स पदार्थ, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, दियर मीन्स उनकी, इन मीन्स में, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व। पौधे केवल ऐसे प्राणी हैं जो कि स्वयं के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं। बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, पौधे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, खनिज तत्वों का इस्तेमाल करके अपने लिए स्वयं भोजन बना सकते हैं। जो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, जो कच्चा पदार्थ है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह उनके चारों तरफ उपस्थित होता है या मौजूद होता है। इनेबल मतलब होता है योग्य बनाना, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बॉडी मीन्स शरीर, टू ग्रो मतलब बढ़ना, टू रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, डैमेज मतलब नष्ट हुआ, ठीक है, या नुकसान पहुंचा हुआ, पार्ट्स मतलब भाग होता है, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, कैरी आउट मीन्स होता है जारी रखना, और लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की विधियाँ। तो आगे है, न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड दियर बॉडीज। जो पोषक तत्व हैं यह जीवित प्राणियों को अपने शरीर का निर्माण करने के योग्य बनाता है। इनेबल मतलब योग्य बनाना, टू ग्रो बढ़ने के योग्य बनाता है, साथ ही साथ उनके शरीर में अगर कहीं भी कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी मरम्मत करने के भी योग्य बनाता है न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को, साथ ही साथ उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को चलाते रहने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पोषक तत्वों से ही मिलता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोज मीन्स अदर। न्यूट्रिशन इज द मोड। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, मोड मीन्स तरीका। न्यूट्रिशन पोषण एक तरीका है टेकिंग फूड, भोजन को किसी भी प्राणी के द्वारा भोजन को ग्रहण करने का एक तरीका है, और उसका उपयोग करके और शरीर के लिए उसका उपयोग करना है। न्यूट्रिशन किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा भोजन को लेना और उसका उपयोग करना करने का तरीका है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण का वह तरीका, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व, प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, साधारण पदार्थों से। मैं एक एक शब्द का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण का वह तरीका जिसमें जो प्राणी है वह साधारण पदार्थ की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण के उस तरीके को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषण स्वपोषी कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट। सेल्फ मीन्स मतलब होता है स्वयं, और ऑटोट्रॉपस मतलब पोषण। जब कोई भी प्राणी अपना पोषण स्वयं करे, आत्म पोषण करे, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे प्राणी को ऑटोट्रॉप कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसलिए जो पौधे हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। एनिमल्स जो प्राणी हैं, ठीक है, जानवर हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे सभी जीवित प्राणी टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया गया, टेक मतलब लेना, तो पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्रहण कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, इसलिए उन्हें हेटरोट्रॉप्स परपोषी कहते हैं। और पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी प्राणी या जानवर अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उस तरीके को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कहा जाता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। नाउ मीन्स होता है अब, वी मीन्स हम, मे मीन्स सकना, आस्क मीन्स पूछना, वेयर मीन्स जहाँ, फैक्ट्री मीन्स कारखाना, लोकेटेड मतलब स्थापित, वेदर मतलब जबकि, ठीक है, मिड मीन्स बनना, एंड सर्टन मीन्स निश्चित, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात करना, दिम मीन्स उन्हें, ये हो गई आपकी मेन वर्ड मीनिंग्स। नाउ वी मे आस्क, अब हम यह पूछ सकते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, पौधों में भोजन का कारखाना कहाँ पर स्थापित होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्या भोजन पौधों के सभी हिस्सों में बनता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या भोजन पौधों के सभी हिस्सों में बनता है, या पौधों में केवल कुछ निश्चित जगहों में, कुछ निश्चित अंगों में ही भोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, पौधे अपने आसपास के जगहों से कच्चे पदार्थ को कैसे प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, पौधे अपने आसपास से, अपने चारों ओर से कच्चा माल किस तरह से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, फिर अगर उन्हें रॉ मटेरियल मिल भी जाता है तो प्लांट में जो फूड फैक्ट्रीज है, भोजन का कारखाना है, वहाँ तक पौधे उस कच्चे माल को का यातायात किस तरह से करते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको अगले पैराग्राफ में मिलने वाला है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, या हम कह सकते हैं कि पौधों में भोजन के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, जो विधि होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, पत्तियां जो होती हैं भोजन, पौधों में भोजन की कारखाना होती हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पौधों में भोजन का कारखाना कहाँ होता है, तो पत्तियाँ जो होती हैं वह पौधों में भोजन की कारखाना होती हैं, या पत्तियाँ ही पौधों के भोजन की कारखाना हैं। देयर फॉर मीन्स होता है इसलिए, ठीक है, मस्ट मीन्स अवश्य, और रिच मीन्स पहुँचना। तो भाई इसलिए सभी जो कच्चा माल है वह पत्तियों तक पहुँचे, यह जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, जल और जो खनिज पदार्थ है, ठीक है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है, पौधे के रूट्स क्या करते हैं, उन्हें अवशोषित करते हैं। अब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित कर लेना, ठीक है। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वह जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं,
और पत्तियों तक उनका यातायात करती हैं, ट्रांसपोर्टेड मतलब यातायात किया जाना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया जाता है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की सतह पर, ठीक है, सरफेस में सतह, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, टाइनी मीन्स छोटे, पोर्स मीन्स छिद्र, तो पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा से अंदर ले लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन छिद्र, ये जो छिद्र होते हैं, दीज पोर्स, ये जो छिद्र हैं सराउंडेड मीन्स घिरे होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, ठीक है, रक्षक कोशिका बोल सकते हो, ठीक है, तो ये जो छिद्र होते हैं रक्षक कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। सच पोर्स, इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ आर पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब जल और जो खनिज पदार्थ है उनका यातायात, ठीक है, पत्तियों तक वेसल्स, वाहिकाओं के द्वारा किया जाता है। वेसल्स में होता है वाहिकाएँ, विच रन लाइक पाइप्स, जो कि पाइप की तरह दौड़ती हैं थ्रू आउट द रूट, थ्रू आउट में तो होता है संपूर्ण, सारे जड़ों में, सारी तनाओं में, स्टेम मींस तना, द ब्रांचेस सारी शाखाओं में, एंड द लीव्स सारी पत्तियों में। मतलब प्लांट्स में वाटर और मिनरल को ढोने के लिए, जल और खनिज पदार्थ को ढोने के लिए ढेर सारी वाहिकाएँ होती हैं जो कि पाइप की तरह जड़, तना, ठीक है, शाखाएँ और पत्तियों सब जगह फैली हुई होती हैं। दे फॉर्म, फॉर्म मीन्स बनाना, वे कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, वे एक लगातार रास्ता बनाती हैं, पाथ आर पैसेज, रास्ता बनाती हैं ताकि जो पोषक तत्व हैं, फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू रीच द लीफ, पत्तियों तक सारे पोषक तत्व पहुँच सकें। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन पाइप्स को हम वहिका कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। आप पदार्थ के यातायात के बारे में, प्लांट्स में किस तरह से पदार्थों का यातायात होता है, इसके बारे में चैप्टर 11 में और भी सीखेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरे रंग का रंजक पदार्थ होता है। पिगमेंट मीन्स रंजक पदार्थ, रंग देने वाला पदार्थ, ठीक है, तो पत्तियों में एक हरे रंग का रंजक पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, पर्णहरित कहा जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले आप लोग गुड इवनिंग लिख लीजिए। हेल्प मीन्स मदद करना, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, टू कैप्चर मीन्स पकड़ना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, सनलाइट मीन्स सूर्य को, सूर्य का प्रकाश, यूज मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अकर्स मीन्स घटित होना, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, कैरी आउट मीन्स जारी रखना, प्रोसेस मीन्स विधि, यूनिक मीन्स अनोखा, सोलर एनर्जी मीन्स सौर ऊर्जा, स्टोर्ड मीन्स संग्रहित करना,
इनमिस में अल्टीमेट मिस अंतिम आखिरी सोर्स मिस स्रोत फॉर्मिस के लिए आलमिस सभी। तो चलिए अब मतलब समझते हैं इसका। लीफ सेवर ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स या पत्तियों की मदद करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने में, ट्रैप करने में। भाई देखिए, मेन जो एनिमल्स और प्लांट्स का डिफरेंस है वह किसका है? क्लोरोफिल का ही है। प्लांट्स के पास यह एक स्पेशल सब्सटेंस है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वे सन के लाइट को पकड़ पाते हैं और उसे केमिकल एनर्जी यानी फूड में बदल पाते हैं। सनलाइट तो हमें भी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी कोई सेल्स नहीं है जिनमें क्लोरोफिल हो, या हमारे शरीर में क्लोरोफिल ही नहीं है यूँ कहें। इस वजह से हम न तो सूर्य की लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ना ही उसे भोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, इसकी वजह से प्लांट्स बड़े आसानी से सनलाइट को स्टोर कर लेते हैं और बाकी सब्सटेंस को मिला करके उससे फूड बनाते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, इस ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है, भोजन का निर्माण करने के लिए किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो सिंस मीन्स इसलिए, या जैसा कि जो भोजन का निर्माण है सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस वजह से हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम केवल फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी घटना सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, सनलाइट की उपस्थिति में होती हैं, तो इस वजह से उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कम्बाइन, जोड़ना या बनाना, निर्माण करना। तो हम पाते हैं कि सो वी फाइंड दैट, इसलिए हम पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये चारों पदार्थ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस की विधि को जारी रखने के लिए या पूरा करने के लिए आवश्यक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं में यह एक अनोखी विधि है। सूर्य का जो ऊर्जा है द सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा है, पत्तियाँ उसको क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, पकड़ती हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और बाद में उसे भोजन के रूप में बदल करके संग्रहित कर लेती हैं। दस इसलिए या इस प्रकार सूर्य जो है वह पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का आखिरी अंतिम स्रोत है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैन मीन्स सकना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, लाइफ मतलब जीवन, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति। क्या आप प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो भाई हम फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ह्यूमन जो एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं उनके लिए दो मेन चीज़ें घटती हैं। पहला तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बनता है, दूसरा हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम सांस लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, तो वह ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ही मिलता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ना ही भोजन बनेगा, ना ही ऑक्सीजन बनेगी, और दोनों तरह से जीवन जो है खतरे में आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, वुड मिस होना, ठीक है, तो पृथ्वी पर कोई भोजन नहीं होगा। सर्वाइवल मतलब जीवित जो रहना है, सर्वाइवल सभी प्राणियों के, जीवित प्राणियों के का जो जीवन है वह सीधे तौर पे या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पे ही निर्भर होता है। पौधे भोजन बनाते हैं, उसके थ्रू ही लोग जिंदा रहते हैं।
वो भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। क्योंकि हाँ मान लो सपोज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, कार्निवर्स हैं, ठीक है, कार्निवर्स उन प्राणियों को कहा जाता है जो कि मांस खाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि अरे वो तो मांस खाता है तो पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई मांस वो उन्हीं ऑर्गेनिज्म का खाएगा, उन्हीं का खाएगा जो कि पौधों को खाते हैं। सपोज दैट शेर, तो शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है, और हिरण क्या खाता है, पौधे की घास को खाता है, प्लांट्स को खाता है। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, ठीक है, हिरण को घास नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, तो हिरण मर जाएगा, और हिरण मर जाएगा तो इनडायरेक्ट तरीके से शेर भी बिना भोजन के मर जाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ठीक है, कराए बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कराए कि भोजन के बाद ऑक्सीजन भी ऐसी चीज़ है जो कि जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, और वह भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, असंभव होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी इक्वेशन। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, कंटेनिंग मतलब शामिल कर रहा, सेल्स मीन्स कोशिकाएँ। तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही पत्तियाँ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। प्रोसेस जो आपको वह एक समीकरण के रूप में दर्शाया गया है, प्रोसेस में विधि रिप्रेजेंटेड मतलब प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है, इन एन इक्वेशन एक समीकरण में दर्शाया गया है। आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला रहे हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट बना रखा है, इक्वेशन बना रखा है, ये लर्न होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए फिगर देख रहे हैं जिसमें आपको लीफ की संरचना दिखाई गई है। लीफ के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग दिखाया गया है, स्टोमेटा कैसा होता है, गार्ड सेल्स कैसी होती हैं, ठीक है, दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि देखिए सन से लाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, पत्ती में क्लोरोफिल है, वाटर मिनरल रूट के थ्रू अंदर जा रहा है और भोजन बन रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस विधि के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है, रिलीज मतलब निकलना। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पत्तियों के अंदर स्टार्च की उपस्थिति, स्टार्च को बोलते हैं मंड, ठीक है, यह दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस घटना होती है, फोटोसिंथेसिस घटित होती है। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो दोस्तों या बच्चों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।